सबको नमस्ते। आवाज़ ठीक है? आप लोगों को क्लियर आ रही है? हेलो जी, स्क्रीन भी ठीक है? तो चलिए नेटवर्क आज, हाँ आज नेटवर्क ठीक है। तो हम लोग इस पर बात कर रहे थे, ज्वाइंट इंस्पेक्शन और पॉइंट फिर यहाँ से प्रॉपर रहती है, यानी कि स्विच रेल आके इसमें स्टॉक, सॉरी स्विच रेल बोलते हैं, स्टॉक रेल यहाँ पे आके जी, स्टॉक रेल की जो ये पोर्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब स्टॉक रेल और ये जो इसके आगे बट है इसके बीच में अधिक गैप नहीं होना है गेज टाइप प्लेट में। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जहाँ पर भी स्टॉक ये गेज टाइप प्लेट के ऊपर जो स्टॉक रेल बनी बंधी रहती है तो वहाँ पे उसके दोनों के बीच में अधिक टॉलरेंस नहीं रहना है, नहीं तो क्या होगा, हमारी स्टॉक रेल चलेगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये नहीं रहना, वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। इस अगर ये स्टॉक रेल में मूवमेंट आएगी इधर उधर तो हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा कि मान लिया जाए उसकी गेज टाइट हो गई, ये 1676 है, आपने जब एडजस्ट किया था उस समय इसको मेजर्ड किया था 1675, यानी गेज था माइनस वन गेज में आप एडजस्ट कर दिए। अभी क्या है कि उसकी जो गेज टाइप प्लेट थी उसमें स्टॉक रेल का जो पोजीशन था वो थोड़ा सा यहाँ पे 3 mm का गैप था, 3-4 mm की, जब कोई व्हील आएगी और व्हील अगर इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो क्या होगा, ये 2 mm इधर चला जाएगा और अगली बार जब कोई पॉइंट चलाएगा उस समय उसको 2 mm की गैप मिलेगी, आपकी पॉइंट सेट होगा नहीं, पॉइंट फेल हो गया, क्योंकि आपने तो स्ट्रोक को एडजस्ट करके रखा था माइनस वन पे और जैसे ही 2 mm इधर चला गया ये प्लस वन हो गया, 2 mm की गैप आ गई गेज में। तो हमको ये देखना है कि जहाँ पर पॉइंट जोन 3 और 4 नंबर स्लीपर है उसकी जो ये प्लेट है, ये तो चेयर प्लेट है, ये वाली गेज टाइप प्लेट होती है उसी में प्लेट बनी थी, तो उसके ऊपर जो स्टॉक रेल का ये गैप बना हुआ है यहाँ पे किनारे, उसमें 1.5 mm से अधिक की गैप नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तो नहीं होना चाहिए और है भी तो 1-8 mm अगर हो जाए तो बहुत है, उससे अधिक गैप नहीं होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। स्लाइड चेयर्स ये सामने वाले हैं, कोई भी स्लाइड चेयर्स ब्रेक नहीं होना है, आप देखेंगे ये बहुत जगह ब्रेक हो जाती है, यहाँ पर जो ज्वाइंट है ना आपको पता नहीं चलेगा, ये जहाँ पर ये स्विच रेल जितनी दूर मूव कर रहा है कॉर्नर में आप देखेंगे ब्रेक हो गई है। अगर ये आपकी चेयर प्लेट जो है स्लाइड चेयर ब्रेक हो गई, उस कंडीशन में स्लाइड चेयर को टाइट रखने वाला 4 ही स्क्रू है, 1, 2, 3 और 4, अगर यहाँ से ब्रेक हो गया दैट मीन्स कि ये आपकी चेयर पर स्टॉक स्विच रेल को लिफ्ट करा देगा, और जब लिफ्ट करा देगा दैट मीन्स कि यहाँ ये जो स्विच रेल है इसके ऊपर बहुत रिजिडली मूव करेगा, रिजिडली मूव करने से आपके मोटर में जो है प्रेशर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपकी मोटर तो एडजस्टेबल है भाई, 480 किलो से तक करना है, 700 किलो से ऊपर जाएगा तो डीक्लच हो जाएगा, अगर आपकी वायरिंग प्रॉपर है तो ठीक चलेगा, किसी कारण से वायरिंग कम हो गई, किसी दिन बारिश हो गया, रस्ट आ गया, आप भूल गए, उस कंडीशन में पॉइंट चलेगा नहीं, फंस जाएगा पॉइंट, डीक्लच होना शुरू हो जाएगा, आप सोचेंगे क्या हुआ क्या हुआ, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। इसीलिए कहीं पर भी चेयर प्लेट अगर फटा हुआ है, अब पीवीए बोलते हैं कि नहीं मेरा चलेगा, नो, क्लियर कट बोल दीजिए कि आपका तो चलेगा लेकिन हमें दौड़ना पड़ेगा आधी रात को किसी कारण से, सो प्लीज़ आप अपनी चेयर प्लेट कम से कम ब्रोकन नहीं रखना है, इसको जितना जल्दी हो सके इमीडिएट चेंज कर दीजिए। तो दिस इज स्लाइडिंग चेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, और गेज टाइप प्लेट ये आपका इंस्पेक्टर को तो देखना ही चाहिए, अगर मे भी आपके इंस्पेक्टर नहीं देख पा रहे हैं, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में होती हैं, तो कम से कम आपका गियर है आपको दौड़ना है, या जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो इंस्टॉल करने वाले को भी देखना है कि भाई हमारी चेयर प्लेट यहाँ पर टूटी हुई नहीं होनी है। थर्ड चीज़ है स्ट्रेचर बार, तो जहाँ पे 1:16 TWS लग रहा है वहाँ स्ट्रेचर बार की कुछ है नहीं, लेकिन जहाँ आपके लिए है उसमें आपको क्या देखना है कि स्ट्रेचर बार रस्टेड नहीं होना है। क्या प्रॉब्लम होगा रस्टेड होने से, हमारा किसी को हम पूछे थे कि भाई क्यों नहीं करा, सर मेरा थोड़ी है ये तो इंजीनियरिंग वाले का है वो देखेगा करेगा, इंजीनियरिंग वाले का है ठीक है। क्या फेल्योर है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग की लाइव क्लासेस रात्रि 8 से 11 बजे के बीच में रोज 1 घंटे की ऑनलाइन वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर, और हाँ अगर आप हमारी लाइव क्लासेस की वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल पर एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह आपको मिलेंगी इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग की जो बेसिक और मॉडर्न सिग्नलिंग है उनकी सारी क्लासेस, कक्षाएं, डाउट्स सब कुछ। धन्यवाद।